फ्रेंड्स वेलकम टू माय टेक चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सूरत टेक्सटाइल के बारे में, जो कि एक कभी पैनिक शेयर हुआ करता था। अभी वो बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा है, ठीक है। और इसका कुछ दिनों से लोअर सर्किट लगा है, और इसका नेक्स्ट लोअर सर्किट कितना लगेगा और ये कब से ऊपर की ओर मोमेंट करेगा, मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो भी न्यू व्यूअर हो, न्यू चैनल को देख रहे हो, थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं हम जीरोधा के चार्ट पे और आपको दिखाते हैं इसका सपोर्ट जोन क्या है और कहाँ से ये शेयर ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं जीरोधा चार्ट पे, तो आपको दिखाऊंगा आज इसका शेयर कहाँ से ये मूवमेंट करेगा ऊपर की ओर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं यहाँ पर देखिए, ये शेयर आज 20 को देखिए, ये शेयर सॉरी वन मिनट 20 को देखिए, ये शेयर 9.92 पे ये चल रहा था, ठीक है। और इसका लोअर सर्किट जो गया 9.92, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट लेवल है ना, ये पॉइंट आपको दिखाता हूँ 9.14। इसका जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है 9.14, अभी ये गिरेगा तो 9.14 तक आएगा, ठीक है। इसको ब्रेक करता है ऊपर की ओर तो ये फिर जाएगा 11, 12, ठीक है, और फिर नेक्स्ट जाएगा 15। अगर इसको ब्रेक नीचे की तरफ कर रहा है ना, तो ये 9.14 ब्रेक किया तो ये जाएगा इसका जो नेक्स्ट लेवल है सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस 6.44, ठीक है। इसको ब्रेक करेगा तो ये लेवल पर चला जाएगा 4.39। तो क्योंकि अभी मेरे ख्याल से ये और ब्रेक नहीं करेगा, ये अगर ब्रेक करता है तो 9.14 तक इसका नेक्स्ट ब्रेक है, ठीक है। और ये तोड़ेगा तो इतना ही जाएगा मेरे ख्याल से 6.7 तक जाएगा, ठीक है, और नीचे नहीं जाएगा ये 9.14 तक इसका नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है। मतलब अगर नीचे गिरेगा तो, क्योंकि शेयर मार्केट थोड़ा गिर रहा है, इसके वजह से शेयर में गिरावट हो रहा है और कुछ नहीं, ये शेयर फिर मूवमेंट करेगा। ये इसका टारगेट है 9.14 से ये मूव करेगा ऊपर की ओर, ठीक है। देखना, अगर ये नहीं करेगा तो इसका नेक्स्ट लेवल रहेगा 6.66, ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, और इसका शेयर देखिए, इसका ये लेवल ब्रेक किया ना 16, तो इसका कहाँ जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ आज, ठीक है। इसका नेक्स्ट लेवल ब्रेक करेगा ना, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो सपोर्ट यहाँ से गया था कितना, ये गया था देखिए यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 6 रुपीज़ से गया ये 11, ठीक है, 5 रुपीज़, फिर के नीचे थोड़ा आया और यहाँ से फिर गया 9.39 रुपीज़ से गया है, ठीक 15, ठीक है। और देखिए 9 से 15 मतलब 6 रुपीज़, अभी ये जाएगा यहाँ से देखिए 9 से फिर जाएगा ये 16.17, ठीक है, ये फिर जाएगा 17 तक, ये जाएगा इसका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा ना 17 तक रहेगा इसका नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा, ठीक है। और शेयर में ऐसा कुछ डेप्थ नहीं है, कंपनी पूरा क्लियर कर चुका है इसका, मैं पहले भी वीडियो में डाल चुका हूँ इसका, ये शेयर अच्छा है और इसमें ऐसा कुछ नेगेटिव कुछ नहीं है शेयर पे, क्योंकि अभी टेक्सटाइल सेक्टर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस कर रहा है, तो शेयर अभी गिरने का चांसेस नहीं है। तो अभी मार्केट गिर रहा है, इसके वजह से शेयर ही गिर रहा है, ठीक है। अभी निफ्टी 50 और सेंसेक्स जो गिर रहा है, इसके वजह से शेयर में बिकवाली हो रहा है ज़्यादा, ठीक है।
और लोग माल उठाते जा रहे हैं, लोग कोई मतलब बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे मतलब माल उठा ज़्यादा उठाते रह रहे लोग, ठीक है। अभी जो इन्वेस्टर है ना वो बड़े बड़े इन्वेस्टर अभी बेच के फिर ये लो लेवल मतलब ये जो लोअर सर्किट लगेगा ना ये बड़े बड़े इन्वेस्टर के वजह से लगता है, क्योंकि ये हाई में बेच देते हैं और लोअर में इसको खरीद लेते हैं, ठीक है। और अभी ऐसा ही हो रहा है, इन्वेस्टर इसमें फिर घुसेंगे, अभी ये लोअर सर्किट जब लगेगा ना इसमें फिर ये घुसेंगे, ठीक है, और इसको शेयर को फिर ऊपर की ओर मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स रखता हूँ, जो भी न्यू व्यूअर हो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो रखता हूँ, बाय।